This is The Director's Cut. बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, यूं बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए। आई थिंक कबीर सिंह के गाने काफी कंसिस्टेंट थे एंड काफी मेलोडियस थे। तो उनमें से कौन सा गाना बहुत पसंद? बेख्याली तो मुझे बहुत पसंद है। सिर्फ एल्बम के तौर पे अगर पूछें तो कबीर सिंह, बहुत अच्छा म्यूज़िक, बहुत अच्छे गाने, उसमें कुछ एक गानों की लिखाई बहुत अच्छी। कौन सी लाइनें पसंद हैं? बेख्याली वॉज अ वेरी गुड सॉन्ग इन कबीर सिंह, बहुत अच्छा गाना था। इस साल में एक गाना जो मतलब जो शायद इतना लोकप्रिय नहीं रहा लेकिन मुझे बहुत छू गया, वो उड़ता तीतर था सांड की आंख में। मैं उड़ता तीतर लाऊंगी, जेल के भीतर लाऊंगी। इस साल में गली बॉय वॉज द वन। आई लाइक द सॉन्ग आज़ादी। शेरा वॉज ऑल्सो वेरी गुड एंड लाइक ओवरऑल गली बॉय की पूरी एल्बम मेरे को काफ़ी पसंद है। एक गाना जो मेरे दिमाग में चिपक गया है वो है कबीर सिंह का बेख्याली। गुनगुनाइए बस। अरे भगवान। कलंक यार, सब गाने बहुत अच्छे थे। सुपर। मैं कलंक टाइटल ट्रैक और घुंघरू के बीच में थोड़ा टॉर्न हूँ। मुझे घुंघरू बहुत पसंद है। वॉर का घुंघरू और कलंक। कबीर सिंह क्या बात है। कबीर सिंह का आप गाइए सर, मुझे तो सारे पसंद है। फिर भी आपका जो सबसे फेवरेट है। मुझे लगता है कबीर सिंह अनडाउटेबली, मतलब एक चीज मैं देना चाहता हूँ कबीर सिंह के एल्बम को। कबीर सिंह आई थिंक सो मेरे साथ काफी लोग रिलेट भी करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली अरिजीत सिंह का तो जादू अलग ही है और यहाँ दो सिंह मिल गए, कबीर सिंह मिल गया, अरिजीत सिंह मिल गया। गली बॉय का जो गाना है, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, मेरा भी आ गया। दिस इज द डायरेक्टर्स कट।